इस मूवी की शुरुआत में हमें टिम को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर से अभी भी बचपना नहीं गया। वो बचपन की तरह ही इमेजिनरी वर्ल्ड में जीता है। टिम की शादी केरल से हो चुकी है। केरल एक बहुत ही सपोर्टिव लेडी है। इनकी दो बेटियां भी है, जिनमें से छोटी बेटी का नाम टीना और बड़ी बेटी का नाम तेविता है। टिम का भाई टेड यानी कि बॉस बेबी अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, इसीलिए अब वो बहुत बिजी रहता है। यानी कि अब टिम की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। एक रात टिम अपनी बेटी तेविता को स्टोरी सुनाने जाता है, लेकिन तेविता को टिम और बेबी बॉस की बचपन की स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि बॉस बेबी जैसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठी कहानियां है। तेविता बताती है कि वो बड़ी होकर टेट की तरह एक कामयाब इंसान बनना चाहती है, ना कि अपने फादर की तरह। टिम यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और एटिक में चला जाता है, जहां वो अपनी और बॉस बेबी की पुरानी चीजें देखने लग जाता है, क्योंकि उसे बॉस बेबी की बहुत याद आ रही होती है। लेकिन बिजी होने की वजह से बेबी बॉस अब उससे नहीं मिलता। टिम वापस नीचे आता है और अपने रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे टीना के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो रूम में जाता है, तभी टीना बेबी बॉस के सूट में उसके सामने आ जाती है, जिससे डरकर टिम बेहोश हो जाता है। फिर टीना अपने डेड टिम को होश में लाती है और बताती है कि वो भी बेबी बॉस है और बेबी कॉर्पोरेशन से आई है, क्योंकि वर्ल्ड में वापस से बेबीज को खतरा है, इसीलिए इस बार उसे इस मिशन के लिए चुना गया है। अब जैसा कि वो जानती थी कि टिम और बेबी बॉस पहले भी यह सब कर चुके हैं, तो वह टीम से हेल्प मांगती है और टेड को भी यहाँ बुलाने का कहती है, पर टीम बेबी बॉस को डिस्टर्ब करने से साफ इनकार कर देता है। फिर भी टीना टेड को फोन लगा देती है, लेकिन टीम कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। टीना ने अपने टेडी बियर की मदद से सब बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। अगली सुबह होते ही टेड वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि टीना ने टीम की आवाज रिकॉर्ड करके टेड को एक वॉइस मेल भेज दिया होता है कि तेविता की तबीयत खराब है। टीम समझ जाता है कि यह टीना का ही काम है। वो टेड और टीना को लेकर किचन में जाता है और टेड को समझाने की ट्राई करता है, लेकिन टेड टीम की फैमिली में वापस आने के लिए एक नॉर्मल बेबी टेड बन चुका था। उसे बेबी कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो टीम को समझाने लगता है कि टीना बोल सकती है और ये बेबी कॉर्पोरेशन से आई है, लेकिन टेड को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। टेड को लगता है कि टीम पागल हो गया है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। टीना खुद को रिवील करते मैजिकल पेसिफायर देकर उन दोनों को बेबी कॉर्पोरेशन में सब समझाने ले जाती है। वहां पहुंचते ही टेड को सब याद आ जाता है। बेबी कॉर्पोरेशन में टेड का बहुत ही बड़ा स्टेचू भी बना हुआ था। टीना उन दोनों को स्पेशल रूम में लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि तेविता के स्कूल का टीचर और मिस्टोंग एक ऐसी फिलोसफी लेकर आया है जिससे बच्चों का बचपन में ही ब्रेन तेज हो जाएगा, जिससे वो बचपन में ही वो सब बन सकते हैं जो वो बड़े होकर बनना चाहते हैं, लेकिन वो इससे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे, यानी कि फिर उन्हें अपने पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह देख टीम को अंदाजा हो जाता है कि तेविता उससे दूर क्यों हो रही है। अब इनका मिशन डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को रोकना होता है। टीना इन्हें बताती है कि बेबी कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे टीम और टेड वापस एक दिन के लिए बेबी बन सकते हैं और स्कूल जाकर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पर नजर रख सकते हैं। टेड और टीम वो फॉर्मूला पी के वापस छोटे हो जाते हैं, पर तभी केरल और तेविता क्रिसमस टी लिए वापस घर पहुंच जाते हैं। यह तीनों उनकी नजरों से बचकर ऊपर चले जाते हैं, जहां टीम केरल से कह देता है कि वह टेड के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। टीना टेड के फोन से उसके पायलट को कॉल करके हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने को कह देती है, जिससे केरल और तेविता को लगता है कि टीम और टेड चले गए हैं, लेकिन वो टीना के रूम में छिप जाते हैं। टीना टीम और टेड को वापस से एक टीम बनने को कहती है। टीना उन्हें कुछ गैजेट देती है और बताती है कि कल सुबह 8 बजे तुम्हें स्कूल बस लेने आ जाएगी। फिर टीम और टेड दोनों एटिक में जाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह टीम और टेड बहुत लेट हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी करके तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बस मिस हो जाती है। इस मसले को सोल्व करने के लिए टेड पोनी को बुलाता है और वह दोनों पोनी पर बैठकर स्कूल की तरफ निकलते हैं बहुत ही एडवेंचर वे में। वह दोनों रास्ते में आती हर चीज तबाह करते आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। वह दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए पुलिस से भी जान बचा लेते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां टेड दो बच्चों को पैसों का लालच देके उन बच्चों की स्कूल ड्रेस पहन लेते हैं। लेकिन वहां टीम और टेड दोनों को अलग अलग क्लासरूम में जाना होता है, इसीलिए टीम टेड को 11:30 बजे मिलने का वादा करके बच्चों के साथ फंसा देता है और खुद तेविता के पीछे चला जाता है। वो छोटे बच्चे टेड का बुरा हाल कर देते हैं। तेविता के क्लास में पहुंचने पर बच्चे टीम के न्यू होने पर
उसे परेशान करने लग जाते हैं, पर तेबिता उसे अपनी सीट देती है, जिस पर टिम तेबिता की वजह से बहुत प्राउड फील करता है। और मिस्टोंग का स्कूल बिल्कुल भी नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं होता, वो बहुत ही एडवांस होता है। डॉक्टर और मिस्टोंग वीडियो की मदद से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। जहाँ टिम को कुछ नहीं आ रहा होता, वहीं टेड उन बेबीज के बीच परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो रूम से बाहर निकलने के लिए उन सभी बेबीज को अपने साथ कर लेता है और रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी टेड को एक विंडो नजर आती है। टेड सब बच्चों के साथ वहां से निकलने की तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ तेबिता क्लास में हर सवाल का सही जवाब देते हुए टीम को हैरान कर रही होती है। टेड अपनी न्यू टीम के साथ मिलकर पहले सब कैमरा को बंद करता है, फिर वहाँ जितनी भी चीजें होती है उन्हें बाकी बच्चों की मदद से यूज करता हुआ विंडो से बाहर जाने ही लगता है। पर इतने में ही एक बेबी का पैर ग्लू से चिपक जाता है, जिससे टेड नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उसे ग्लू से एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ टीम टाइम देखकर रूम से बाहर जाने के लिए वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है, लेकिन और मिस्टोंग ने तो वॉशरूम तक रूम में ही बनाया होता है। तभी टीम को एक आइडिया आता है और टीम प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए क्लास में बदतमीजी करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि और मिस्टोंग खुद उसे पनिश करने के लिए प्रिंसिपल रूम भेज देंगे, लेकिन और मिस्टोंग उसे कहीं और ही भेज देता है। टेड ग्लू यूज करके प्रिंसिपल ऑफिस तक चला जाता है, लेकिन और मिस्टोंग वही होता है क्योंकि उसने कैमरे में सब देख लिया होता है। इसलिए वहां बेटा टेड का इंतजार कर रहा होता है। टेड की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर और मिस्टोंग उसे अपना असली रूम दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि और मिस्टोंग असल में एक बेबी है। टेड रिकॉर्डिंग डिवाइस को कैंडी बाउल में छिपा देता है, लेकिन और मिस्टोंग उसे कैंडी समझकर खा लेता है। और मिस्टोंग टेड को बताता है कि स्कूल के बाद एक मीटिंग है जिसमें वह सब बेबीज को एक प्लान बताएंगे ताकि वो सब मिलकर बड़ों को एक लेसन सिखा सके। तभी हमें टीना को दिखाया जाता है, जिसके पास टेड के डिवाइस के तबाह होने से पहले तक की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। फिर टीना टीम का डिवाइस चेक करती है और वो देखती है कि टीम कुछ भी नहीं कर रहा है। वहीं टीम फ्री होकर बाहर आता है। टेड उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब उसे टीम की जरूरत थी तो उसके पास नहीं था। इस पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और टेड टीम को गुस्से में वहां से जाने का कह देता है। टीम तेबिता की क्लास के बाहर से गुजरने पर देखता है कि नितिन क्लास में तेबिता से पीछे रहने का बदला उसे सिंगिंग में ले रहा होता है, क्योंकि तेबिता को सही से सिंगिंग नहीं आती थी। टीम तेबिता की हेल्प करने के लिए केरल को मैनिपुलेट करते हुए उनके साथ घर चला जाता है, जबकि टेड यहाँ मीटिंग के लिए रुक जाता है। अचानक टेड पर निंजा बेबीज अटैक कर देते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं। टेड उनसे बचकर भाग रहा होता है कि तभी और मिस्टोंग आकर उसे बचाता है। और मिस्टोंग टेड को दिखाता है कि कैसे उसने बच्चों को ट्रेन करके उनकी मदद से पैसा बना रहा है। उसने बहुत सी एप्स भी बनाई हुई है जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो कहता है कि अब मैं एक ऐसी एप लॉन्च करने वाला हूँ जो सबसे अच्छी होगी। और मिस्टोंग कहता है कि उसे पैसे से ज्यादा पावर चाहिए, जो कि उसे इस ऐप से मिल जाएगी। घर पहुंचकर टीना टीम पर गुस्सा होती है कि वह मिशन छोड़कर क्यों आ गया, जिस पर टीम कहता है कि टेड ने खुद उसे टीम से निकाल दिया है। टीम तेबिता के पास चला जाता है और उसे पूछता है कि जब वह म्यूजिक में अच्छी नहीं है तो क्यों पार्टिसिपेट कर रही है। तेबिता उसे बताती है कि वह यह सब अपने फादर को प्राउड फील कराने के लिए कर रही है, क्योंकि वह इन सब में बहुत अच्छे है। टीम यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि तेबिता उसकी वजह से इम्प्रेस फील करती है, इससे पहले कि वो लोग और कोई बात कर पाते। टीम के पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, पर टीम की ग्लासेस की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाते। और मिस्टोंग सब बेबीज को बताता है कि उसके पेरेंट्स चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। उनके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से और मिस्टोंग को अंदाजा हुआ कि वह अपने पेरेंट्स से ज्यादा स्मार्ट है और उसे उनकी जरूरत नहीं है, जिस पर वह घर से भाग निकला। वह बताता है कि बर्थडे पर सब बदल जाएंगे और सब बेबीज की अपने पेरेंट्स से जान छूट जाएगी और बेबीज बस वह करेंगे जो वह करना चाहते हैं, किसी भी रूल के बगैर। वहीं टीम को पता चलता है कि सिर्फ तेबिता नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली उसे बच्चा और बेवकूफ समझती है, क्योंकि अब भी वह इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। अब टेड भी वहां पहुंच जाता है। टीम के पेरेंट्स तेबिता को बताते हैं कि टेड टीम से कितना प्यार करता है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। टेड और टीम यह बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। डिनर के बाद टीम तेबिता को सिंगिंग में हेल्प भी करता है और दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद टीम
घर जाने का कहकर बाहर निकलता है तो तेबिता को उसके रूम की विंडो पर बैठे सिंग करते देख बहुत खुश हो जाता है। टेड अब भी अपने एटीट्यूड की वजह से टिम की हेल्प लेने से मना कर देता है, जिस पर टीना उसे उसकी फाइल देती है। टेड उसमें टिम का भेजा हुआ लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाता है, पर अभी भी बड़ों की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि वह प्रैक्टिकल होकर सोचता है, जिस पर टीना उसे समझाती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। उतनी देर में टीम भी वहां पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि उसने यह सब तेबिता के लिए किया था, उसे टीम की जरूरत थी। टेड उन्हें आर्मस्ट्रांग का प्लान बताता है और कहता है कि उसे वापस बेबी कॉर्पोरेशन जाने की जरूरत है। यह सुनकर टीना उन्हें कहती है बेबी कॉर्पोरेशन हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके लिए अभी भी अच्छा अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए उन्हें खुद ही आर्मस्ट्रांग को रोकना होगा। रात में तीनों इस पर एक अच्छी टीम की तरह काम करते हुए आर्मस्ट्रांग को हराने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें टेड स्कूल में उसके साथ बच्चों की हेल्प लेने का डिसाइड करता है। वहीं टीम को बैक स्टेज पर नजर रखनी है। टेड खुद आर्मस्ट्रांग के साथ जाके उसके सूट में एक डिवाइस लगा देगा, जिससे टीना ऑडियंस में बैठकर भी उसे कंट्रोल कर पाएगी। शो शुरू हो जाता है और सब प्लेन के हिसाब से अपनी पोजीशन ले लेते हैं, पर टेड को पता चलता है कि आर्मस्ट्रांग का तो प्लान ही कुछ और है। वह ऐप तो ओटी ऐप है, जिसकी मदद से पेरेंट्स ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। आर्मस्ट्रांग ने पहले ही उस ऐप को पेरेंट्स के फोन में डलवा दिया होता है। पेरेंट्स जब अपने बच्चों की पिक्चर लेने के लिए ऐप यूज करते हैं तो वो एक एक करके ज़ॉम्बीज में बदलना शुरू हो जाते हैं। टेड फौरन इस बारे में टीना को बताता है और शो रोकने को कहता है, ताकि पेरेंट्स ऐप यूज ही ना करें। तो टीना उसे कहती है कि शो बैक स्टेज में एक स्विच से रुक सकता है। टीना टीम को यह करने को कहती है, पर टीम अपना एयरफोन उतार कर तेबिता के साथ सिंग करने चला जाता है। टेड भागते हुए बैक स्टेज तो जाता है, पर उसे बेबीज पकड़ कर अपने शो के लिए ले जाते हैं। टेड किसी तरह बटन तक पहुँच कर उसे बंद करने लगता है, पर टीम तेबिता की परफॉर्मेंस की वजह से उसे ऐसा करने नहीं देता। टेड उसे धक्का देकर स्विच ऑफ कर देता है, पर वह आर्मस्ट्रांग का ट्रैप था, जो स्विच ऑफ होते ही अपने निंजा बेबीज के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। तेबिता एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए सबको हैरान कर देती है। वहीं टीम टेड को बताता है कि वह हमेशा टेड की तरह सक्सेसफुल होना चाहता था। टेड अपने दिल का हाल बताते हुए कहता है कि वह सक्सेसफुल होकर भी अकेला है और टीम से बहुत जलता था कि उसके पास इतना प्यार करने वाली फैमिली है। आखिर में दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन उस रूम में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा होता है। वहीं तेबिता बहुत ही अच्छा सॉन्ग गा रही होती है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी कोई ताली नहीं बजाता, क्योंकि वो सब तो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। पर तेबिता बहुत रोते हुए वहां से चली जाती है और आर्मस्ट्रांग अब सभी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाता है। टीना अपने टीम और टेड से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो तेबिता के पास जाती है और उसे सब बता देती है कि वो बेबी कॉर्पोरेशन से आई है। यहाँ तेबिता को पता चल जाता है कि उसके फादर ने उसे कोई झूठ नहीं बोला था, वह सब स्टोरी सच थी। टीना तेबिता को आर्मस्ट्रांग की सच्चाई बता देती है और कहती है कि अब सभी लोग उसके कंट्रोल में है। फिर तेबिता और टीना इन सबको कंट्रोल करने वाला सर्वर ढूंढ लेती है और उसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ टीम और टेड पानी में बुरी तरह से फंस चुके होते हैं और उन्हें बाहर का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तब टेड को एक आइडिया आता है और वो पोनी को बुलाता है। पोनी वहाँ पहुंचकर उन्हें बाहर निकाल लेती है। टीना से कॉन्टेक्ट करके वो दोनों उसके पास जाने के लिए निकलते हैं, पर यहाँ भी निंजा बेबीज उन्हें रोकने पहुंच जाते हैं। इस बार उन दोनों को बचाने के लिए टेड के क्लास के बेबीज वहाँ पहुंच जाते हैं। वो सब निंजा टीम से लड़ने लग जाते हैं, जिसका फायदा उठा के टेड और टीम सर्वर रूम तक पहुंच जाते हैं। आर्मस्ट्रांग उन्हें बटन तक जाने से रोकने के लिए लग जाता है। इस बार उन दोनों की हेल्प के लिए तेबिता और टीना आर्मस्ट्रांग के स्पेशल सूट में आ जाती है। तेबिता टीम को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने टीम के आगे कई सीक्रेट रख दिए थे। आर्मस्ट्रांग अब इनसे फाइट के लिए ज़ॉम्बीज पेरेंट्स को बुला लेता है। टीम और टेड टीना और तेबिता को बटन बंद करने भेज देते हैं और वो दोनों आर्मस्ट्रांग को रोकने की ट्राई तो करते हैं, पर वो उन्हें वहीं फंसाकर टीना और तेबिता के पीछे निकल जाता है। टीना आर्मस्ट्रांग से फाइट में लग जाती है और तेबिता पेरेंट्स को वापस नॉर्मल करने का तरीका ढूंढने में, पर अब उन्हें टेड और टीम की हेल्प की जरूरत होती है।
जाती है, तभी सॉल्यूशन का टाइम खत्म होने लगता है, जिस पर टेड थोड़ा बड़ा होकर पेरेंट्स को रोकने लग जाता है। टीम फायर अलार्म का बटन तो प्रेस कर देता है पर कुछ नहीं होता। ये देखते एविता को अपने फादर की वोल्केनो माउंटेन का ख्याल आता है और वो दोनों कोक और मेंटोस को मिलाकर और मिस्टोम के साथ साथ उसका सारा रूम तबाह कर देते हैं। लेकिन और मिस्टोम अभी भी उनकी जान छोड़ने को तैयार नहीं होता और टीना को पकड़ लेता है। टीना और मिस्टोम का सूट खुद पहनते हुए उसे हरा देती है और टीम एक परफेक्ट एंट्री देते हुए वापस अपनी साइज में आके तेविता को गिरने से बचा लेता है। और मिस्टोम सारी फैमिली को अपने बच्चों के साथ खुश देखकर समझ जाता है कि पेरेंट्स और फैमिली की लाइफ में बहुत जरूरत है। सब पेरेंट्स वापस अपने बच्चों से मिल जाते हैं। तेविता क्रिसमस पे सबके लिए सॉन्ग सिंग करती है। इस बार टेड भी अपने सारे काम छोड़ के अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ जाता है। सारी फैमिली साथ में बहुत अच्छा टाइम गुजारती है और वहीं ओम स्ट्रॉन्ग भी फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने पेरेंट्स के पास वापस चला जाता है और उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।